अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को रेडीमेड शलवार को रुमाली लगाने का तरीका और बेल्ट लगाने का तरीका बताऊंगी। देखिए, ये रेडीमेड शलवार है, इसमें बहुत सा कपड़ा कम डालते हैं, बहुत ज्यादा कपड़ा कम डालते हैं। इसके लिए ये रुमाली, मतलब इसमें रुमाली भी नहीं होती है, यानी कि किस तक, इसलिए ये बीच में से इस तरह ओपन हो जाती है, फट जाती है ये। और ऊपर जो नेफे के पास है ये हिस्सा भी टाइट होता है, इसलिए हम इस शलवार में नेफे की जगह ऊपर बेल्ट का कपड़ा लगाएंगे और बीच में चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसमें रुमाली लगाएंगे। देखिए, मैंने इस तरह नेफे को, ऊपर के जो नेफा लगा हुआ था रेडीमेड शलवार में, इस तरह से मैं अलग कर ले रही हूँ नेफे को, और मैं बीच में किस तक की भी सिलाई को ओपन कर लूंगी। रेडीमेड शलवार में बड़े बड़े टाके होते हैं, इसलिए मैं इसे बीच में से इस तरह खोल दे रही हूँ, क्योंकि हमें बीच में रुमाली यूज करना है, रुमाली लगाना है इसमें, जिससे कि हमारी शलवार लूज हो जाए और बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम पूरा शलवार इस तरह, इसकी भी सिलाई हम खोलकर इसे वो पूरा ओपन कर लेंगे। देखिए, हमने इसे सिलाइयों को खोल लिया है बीच में से। अब हम इस पर इस तरह कपड़े को पलटी करते हुए, यानी कि हमें एक हिस्से पर दूसरा हिस्सा रखते हुए लंबाई लेना है। इस तरह हम एक के ऊपर एक रखकर इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई देखिए, मैं पहले लंबाई बता देती हूँ। साइज इसका, शलवार का जो हमारा लंबाई आनी है 42, किस तक है यानी कि आसन 16 इंच रेडी। बेल्ट की लंबाई है 7 इंच, बेल्ट की चौड़ाई है 25। ये रेडीमेड शलवार में बेल्ट नहीं थी, हम दूसरे कपड़े को यूज करते हुए इस तरह बेल्ट ऊपर लगाएंगे, और एक्स्ट्रा क्लॉथ यानी कि रुमाली के टाइप में भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह एक्स्ट्रा क्लॉथ करके भी हम इसे लूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम पहले इसका साइज ले लेंगे। देखिए, नीचे सिया हुआ है ये शलवार, इसके लिए हम इसमें मार्जिन ज्यादा नहीं लगाएंगे। 42 इंच की लेंथ है, तो हम नीचे की तरफ 43 इंच रखेंगे। इस तरह 43 इंच रखते हुए हम ऊपर की तरफ टेप को लेंगे, और हमें कितनी बेल्ट लगाना है उतने निशान पर हम, उतने नंबर पर हम निशान डाल लेंगे। तो मुझे 7 इंच की बेल्ट लगाना है, मैं 7 इंच पर इस तरह निशान डाल लूंगी और इसे कट कर लूंगी। इतने कपड़े को पहले मैं कट कर लूंगी। देखिए, हमने इसे कट कर लिया है, इतना कपड़ा हम हटा देंगे। अब हम टेप को बिल्कुल 7 इंच के टेप को ऊपर छोड़ते हुए किस तक का निशान लगाएंगे। देखिए, किस तक हमारी 16 रेडी है, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब हमें इधर भी सीधा कपड़ा कट करना है और इधर कट लगाना है। देखिए, हमने यहाँ पर कट लगा लिया है, जहाँ हमारी किस तक रेडी आनी है। अब हम इसमें मिलता जुलता कपड़ा लेंगे और इसे इसके पास रखते हुए हम चौड़ाई को बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा कट है, वहां से थोड़ा सा कपड़ा हम नीचे की ओर रख लेंगे इस तरह, और अब हम चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। देखिए, इस तरह मैं 7 इंच कपड़े को निशान डाल रही हूँ, यानी हम 7 इंच की चौड़ाई बढ़ाएंगे। और इस तरह ये जो हमारा यहाँ पर कट का निशान है, इस तरह हम इसमें मिला लेंगे। ये 2 फोल्ड है, पहले मैं इसे कट कर कर और कपड़े पर, यानी कि जो और कपड़ा हमने लिया हुआ है वो कपड़े पर हम ये और 2 कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमने अलग से लिया हुआ है, कलर मैच करके, कपड़े में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कलर बिल्कुल मैच है। इस तरह हम इस कपड़े को कट कर लेंगे, इस निशान जहाँ डाले हुए हैं उसे कट कर लेंगे। देखिए, इसमें हमने 4 पीसेस कट कर लिया है इस तरह। अब हम इसमें रुमाली भी कट करके लगाएंगे। तो देखिए, मैंने रुमाली का डायग्राम इस तरह डालकर रखा हुआ है। हमारी जो लंबाई है वो 8.5 इंच है, चौड़ाई 6 है। इस तरह रुमाली भी कट करके हम इसमें लगाएंगे। देखिए, हमने रुमाली कट कर लिया है इस तरह। हम रुमाली सिर्फ हम 2 पीसेस कट करेंगे,
इसे हमने चार कट किया हुआ था, रुमाली दो कट करेंगे और हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। बेल्ट की चौड़ाई इस तरह 27 है, माया मिलाकर रेडी 25 आना है और बेल्ट की लंबाई 7 है, 2 प्लस करके 9। इस तरह हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। अब हम आइए इसकी सिलाई देखते हैं। देखिए ये जो चार तो चार पीसेस हमने किए हुए थे शलवार में, उसे हम इस पर ज्वाइंट कर लेंगे और बाद में रुमाली को लगाएंगे। तो पहले देखिए हम इस पर सीधे कपड़े पर उल्टा कपड़ा रखते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह इसे हटाएंगे और इस कपड़े को इस पर रखते हुए पूरे चारों कलियों को हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने ये सिलाई ले ली है अंदर से। अब हम इसे ऊपर से सीधी करते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे ऊपर से। हमारा माया जॉइंट के तरफ होना चाहिए अंदर का, ये जो अंदर का कपड़ा हुआ है ये इसी तरफ होना चाहिए जॉइंट के कपड़े। अब हम इसमें रुमाली किस तरह लगाएंगे ये बताएंगे। इस कपड़े को हमें इस तरह ओपन करना है सीधे कपड़े को, और ये जो हमने रुमाली कट की हुई थी उसे सीधे कपड़े पर उल्टी रुमाली रखते हुए इस तरह, देखिए ये जो किनारा था हमारा नोक उसके पास इस तरह रखते हुए हम एक ही शलवार को दोनों तरफ से रुमाली लगा लेंगे। इसे भी इस तरह ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इसी शलवार को हम इस तरह इस किनारे भी रखते हुए, ये दूसरा हिस्सा है इसी शलवार का, दूसरा साइड है। अब हम यहाँ भी रुमाली लगाएंगे इस तरह। देखिए अब इसे ओपन रखते हुए रुमाली को भी हम ऊपर से सिलाई ले लेंगे। अब हम ये रुमाली हमारी लग चुकी है। अब हम इस पर उल्टे शलवार का कपड़ा डालेंगे, ये सीधा था, अब हम इस पर उल्टा कपड़ा बिछाएंगे। देखिए ये सीधा है, ये सीधे कपड़े को चिपकाते हुए यानी कि उल्टा कपड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ये उल्टा दिख रहा है, इस तरह हम रखकर ऊपर से इस पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे आधा इंच का कपड़ा रखते हुए। अब देखिए हम रुमाली को किस तरह लगाएंगे। इसकी सिलाई, ये रुमाली है हमारी, इसके ऊपर इस तरह क्रॉस करके रुमाली ज्वाइंट कर लेंगे हम। इसे भी ओपन करके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। इसे भी हम ओपन करते हुए इस रुमाली पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम इस पर भी डबल सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी दोनों रुमाली लग चुकी है। अब हम उसे शलवार को उल्टा करते हुए नीचे की तरफ से आएंगे सिलाई लगाते हुए। नीचे से हम सिलाई लगाएंगे, पूरा राउंड सिलाई लगा लेंगे इसी तरह। जिस तरह हम शलवार के साइड सीते हैं उसी तरह बिल्कुल सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह हम इसे बराबर में रखते हुए, देखिए ये कपड़ा अलग है और ये कपड़ा अलग है बिल्कुल। ये चौड़ाई हमारी बढ़ रही है जो हम अब लगा रहे हैं सिलाई। देखिए ये रुमाली का हिस्सा है। बिल्कुल जिस तरह हमने इधर से सिलाई लगाया है अब हम इधर भी सिलाई लगाते हुए जाएंगे और हम फिर से डबल सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। देखिए हमने शलवार को सीधा कर लिया है और हमने बेल्ट भी तैयार करके रखा हुआ है। हम बेल्ट के बराबर नीचे के हिस्से को भी चून बनाकर बराबर हिस्से में ले लेंगे। इस तरह हम चून बनाते हुए इसे भी 25 इंच का रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे भी 25 इंच तक रेडी कर लिया है। अब हम इसे राउंड साइड से बीच का सेंटर देखते हुए, रुमाली का सेंटर देखते हुए राउंड साइड से पूरा बेल्ट लगा लेंगे। देखिए हमने इस पैंट को, जो रेडीमेड पैंट था उसे तैयार करके शलवार बना लिया है।
इसे लूज कर दिया है। अब इसे जो हेल्थी लोग हैं यानी कि थोड़े मोटे होते हैं वो भी आसानी से पहन सकते हैं। और इसकी लंबाई भी बढ़ चुकी है, देखिए इसकी किस तक बराबर 16 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो बराबर 42 इंचेस है, 42 इंचेस और हाफ इंच एक्स्ट्रा है। इस तरह हमने इस शलवार को कपड़ा लगाते हुए, सेम कलर का कपड़ा लगाते हुए लूज कर लिया है बीच में। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।